नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वह विश्व प्रसिद्ध लाल किताब का एक टोटका है। जी हाँ दोस्तों, वही विश्व प्रसिद्ध किताब जिसके टोटके दुनिया भर में सिद्ध किए हुए टोटके हैं और जिसने भी इसे अपनाया है उसे लाभ जरूर हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस टोटके बारे में तो हमारा वीडियो अंत तक देखते रहें। और आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घ आयु के लिए गजब का टोटका। जी हाँ दोस्तों, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को अंत तक देखते रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए। पहला मैं बताऊंगा आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए, एक काला रेशमी डोरा ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र का जाप करते हुए उस डोरे को थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांठ लगाएं। उस डोरे में को बच्चे के गले या कमर में बांध दे, बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहेगा। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बच्चे के दीर्घ आयु के लिए है। प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार बार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम को के समय पिला दें, बच्चे की आयु दीर्घ आयु होगी। जी हाँ दोस्तों, इस टोटके को अपनाकर बहुतों ने लाभ पाया है और आप भी लाभ पाएंगे, इसको जरूर अपनाएं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने के मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम इस सवाल का जवाब देंगे। और दोस्तों अगले टॉप वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे एक्साइटिंग टॉपिक के लिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।